पिछले चंद वर्षों में पाकिस्तान में जराइम और खास तौर पर डकैती की वारदातों ने शहरियों को एक मुस्तकिल खौफ का असीर बनाया हुआ है। घरों में घुसकर डाकू लोगों की उम्र भर की जमा पूंजी हथिया लेते हैं और आम तौर पर ऐसे खानदान अपनी शराफत, पुलिस कचहरी के चक्कर और इज्जत बचाने के खौफ से खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। 2008 कत्ल और डकैतियों के हवाले से बहुत बुरा साल था। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे इन डकैतियों को रोकने में नाकाम हैं। जान के तहफ्फुज और डाकुओं की हौसला शिकनी करने के लिए सीसीपीओ लाहौर ने एक नौजवान उमर बिशारत को, जिसने के वारदात के दौरान डाकुओं को मार दिया था, उसकी बहादुरी पर शील्ड पेश की और कहा कि तमाम शहरियों को पूरा अख्तियार है कि वो अपने हिफाजत खुद अख्तियारी में डाकुओं को मारें। हम उनको मुबारकबाद भी देंगे, उनको इनाम भी देंगे, उनको शील्ड भी देंगे। पिछले वर्ष कराची में लोगों ने ऐसी ही जुर्रत का मुजाहरा करते हुए चंद डाकुओं को आग लगाकर मार डाला, मगर कहा जाता है कि वो सब लोग डाकू नहीं थे, बल्कि उनमें से एक नौजवान लड़के को खानदानी इज्जत का बदला लेने के लिए डकैती की आड़ में जला दिया गया। मेरा भाई बेगुनाह था। इसे क्या पूछोगे आप? लाहौर के हॉल रोड पर भी लोगों ने एक डाकू को जिंदा जलाने की कोशिश की, मगर वो कामयाब ना हो सके। सवाल ये है कि आया कानून शहरियों को अपने तहफ्फुज के लिए डाकुओं को मारने का हक देता है? शहरी इंसाफ न मिलने की सूरत में सिर्फ सब्र शुक्र करें?